ATH न्यूज अब सब पर है नजर हमारी। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में। जी सर, बिहार के रोहतास जिले में भी मनाया जा रहा है। ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसमें प्रत्येक दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ चालकों का रिफ्रेशर कोर्स और इनके आँख और समान स्वास्थ्य की जाँच का कैंप यहाँ पर रखे हुए हैं। फिटनेस कैंप है और समान स्वास्थ्य की जांच और आँख की जांच की जा रही है और रिफ्रेशर कोर्स की भी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। सर, ये पखवाड़ा सर कितने दिन तक चलेगा? सर ये 17 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी तक। सर, और जो यहाँ पे दूर दूर से या पूरे रोहतास जिला के जितने भी लाइसेंस बनाने वाले आए हैं सर, और यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी आई टेस्ट के लिए आप व्यवस्था किए हैं सर, तो ये क्या मतलब ये 17 फरवरी तक ही रहेगा, क्या ये आगे तक भी चलता रहेगा? नहीं, ये फिटनेस और चालकों की जाँच डीएल दिया जाता है सर, यहाँ तो चलेगा ही, 17 के बाद भी चलेगा, चलता ही रहता है। कुछ विशेष कार्यक्रम वो आँखों की जाँच जो है वो बाद में कराया जाएगा। सर, मैं जानना चाहूँगा सर कि जो अभी बिना डीएल के जो भी चला रहे हैं बाइक या वाहन, तो सर अभी सरकार भारत सरकार कुछ नियम चेंज किए हैं सर, तो क्या उस पर ज़्यादा फाइन भी लगेगा, क्या फाइन समान है? नहीं, फाइन जो है लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें हेलमेट के लिए 194D सेक्शन है, उसमें 1000 फाइन किया जाता है। व्हीकल लोडिंग के लिए 1000 फाइन है। बहुत ज़्यादा हॉर्न और प्रेशर हॉर्न के लिए 10000 फाइन है। पोल्यूशन नहीं है उसमें 10000 फाइन है। अलग अलग फाइन है, उसकी जांच हम लोग करते हैं और जागरूकता भी हम लोग फैला रहे हैं सब जगह कि लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षा पर ध्यान दें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर यहाँ पे जो आप हफ्ता में 2 दिन मोटर ट्रेनिंग का जो आपने टेस्ट लेते हैं सर और लाइसेंस का, तो सर ये क्या जितने भी नए लाइसेंसधारी हैं उनके लिए सूटेबल है या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सर आप कहना चाहेंगे? ये तो रूटीन वर्क है, गाड़ियों का फिटनेस जांच करके फिटनेस देना और जो भी आवेदक हैं लाइसेंस के लिए उनका लाइसेंस का जांच करके, उनके चालन क्षमता की जांच करके उनको लाइसेंस देना। अभी तक सरकार के द्वारा इस कार्य को करने के लिए कोई चिन्हित लैंड नहीं है। हम लोग जो जिला मुख्यालय के आसपास जो बड़ा भूखंड होता है, सर लोग के परमिशन से वही इस कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी सरकार ने हमारी व्यवस्था कर रखी है। अभी हाल में ही चिट्ठी आई है, 1 एकड़ से 2 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था कर वहाँ अपने लैंड में ही इन सारे कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश आया हुआ है। लेकिन ये टेम्पोररी व्यवस्था है, जब तक वो हमारा नहीं हो जाता है तो मैं जिले में जाँच का काम स्वरा हवाई अड्डा मैदान में ही संचालित करता हूँ।